नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी योजना में। तो दोस्तों, हम लोग बड़ी छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम दवाइयाँ बड़ी जल्दी से खा लेते हैं, लेकिन इन दवाइयों के क्या हमें फायदे होते हैं या ये क्या हमें नुकसान भी करती है, तो आइए जानते हैं इस बारे में। दरअसल अगर हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए अगर हम दवाइयाँ लेंगे तो इनसे हमें नुकसान भी होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको थोड़ा सा हेडेक हो रहा है या थोड़ा सा आपको खांसी हुई है या जुकाम हुआ है तो हम तुरंत ही दवाई लेने चले जाते हैं, तो उससे हमें नुकसान है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी जो ब्लड की जो सेल्स होती हैं, सेल्स के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट रहता है और उस एंटीजन से जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं उसके अंदर एंटीबॉडी होती है और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन में रिएक्ट करके वो जो हमारा जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उसको किल करती है। तो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग एक एंटीबॉडी तैयार कर लेती है और अगर वो बैक्टीरिया अगर दोबारा अगर वो डिजीज कॉजिंग करने आएगा तो वो हमें दोबारा डिजीज नहीं कर पाएगा। लेकिन बैक्टीरिया भी बहुत चलाक होते हैं, उनके अंदर बहुत जल्दी जल्दी मॉडिफिकेशन होती रहती है और वो मॉडिफिकेशन करके वो दोबारा आपकी बॉडी में एंटर करेगा। फिर आप अगर वो वाली मेडिसिन लेंगे तो आपको वो मेडिसिन असर नहीं करेगी, उस मेडिसिन की एंटीबॉडी बन चुकी है। फिर आपको उससे थोड़ा हैवी डोज की मेडिसिन लेनी पड़ेगी और फिर से वही वाली बात होगी, वो फिर से उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। फिर आफ्टर दैट अगर आप ऐसे ही अगर दवाइयां लेते रहेंगे छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो आपकी एंटीबॉडीज बनना कम हो जाएंगी जो उन पर रिएक्ट कर सके, उन बैक्टीरिया को किल कर सके। और फिर जब हम ये हैवी मेडिसिन लेते रहते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे लिवर के साथ साथ अदर ऑर्गन पर भी इफेक्ट करता रहता है, तो इससे बीमारी बनने के चांस भी हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मच्छर है, मच्छर के लिए आप पहले मोर्टिन लगाते थे, अब मोर्टिन भी उस पर काम नहीं करती है क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर एक मॉडिफिकेशन हासिल कर ली है। अब आप ऑल आउट लगाते हैं, ऑल आउट भी काम नहीं कर पाती कभी कभी, तो आप फिर अब तो अगरबत्तियां भी आने लगी हैं तो अब लोग उसका भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए दवाइयां लेंगे तो ये हमें नुकसानदायक होंगी। दोस्तों, हमें नॉर्मल बीमारियों के लिए हम नॉर्मल प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप थोड़ी देर सो जाइए, आराम कर लीजिए। जैसे अगर आपको जुखाम हो रहा है तो जुखाम का सीधा सा लक्षण होता है कि वो 2 से 3 दिन अपना असर दिखाता ही दिखाता है, चाहे आप मेडिसिन लीजिए चाहे ना लीजिए। सो प्लीज आप छोटी छोटी इन बीमारियों के लिए दवाइयां ना लें और खुद ही इनका उपचार करने की कोशिश करें। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।